how to get freelancing project or freelancing work and start earning money. So बहुत बड़ा question है, बहुत सारे students, बहुत सारे मेरे trainees मुझे पूछते हैं sir मुझे projects मिलना चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो मुझे freelancing projects कैसे मिले उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए. So आज बहुत सारे YouTube पे भी comments आए हैं कि sir how to grab freelancing projects. तो आज मैं कुछ tips और कुछ tricks बोलने वाला हूँ, तो उससे आप unlimited projects आज आप grab कर सकते हो और definitely आप आपका earning आज से ही start कर सकते हो. ये video पूरा last तक देखिए और आपको और ये पूरा देखने के बाद इस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए. डेफिनेटली इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे, इतने प्रोजेक्ट आएंगे, एक दिन आपको खुद की कंपनी एजेंसी स्टार्ट करके बहुत काम करना होगा. राइट, कि एम्प्लॉयज ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारा टीम सेटअप करना पड़ेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए. तो फर्स्ट है कि सबसे पहले आपको आपका फ्रीलांसिंग का वर्क्स पहले रेडी करना है. मीन्स आप फ्रीलांसिंग लोगों को दिखाना चाहते हो आपका काम पहले, तो फ्रीलांसिंग वर्क आपको चाहते हो तो पहले तो क्या करना है, आपको फ्रीलांसिंग वर्क बनाना है. तो क्या करना है एग्जैक्टली, कि आपको आपका पोर्टफोलियो बनाना है. पोर्टफोलियो ही नहीं बनाते लोग और मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए पहले तो खुद का तो काम बनाइए. आपको हमने हम यहाँ पे डिजिटल ट्रेनिंग में सबको वेबसाइट देते हैं, सबको हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं. तो आपका जब तक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, आपका खुद का प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, आप दूसरों के कैसे करेंगे यार. सो फर्स्ट क्या करो, आपकी आपका पहले खुद का रेडी करो, काम करो. बहुत सारा देखो, देर इज़ नो सीक्रेट फॉर सक्सेस. आप एक दिन में सक्सेस नहीं पा सकते. आपको पहले ही आपका काम रेडी करो, आपकी वेबसाइट रेडी करो, आपके सोशल मीडिया रेडी करो, आपके सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट डालो, आपका यूट्यूब चैनल बनाओ, आपका सारा पहले क्रिएट करो खुद का. तो आपका खुद का करने के बाद जब भी कोई क्लाइंट्स मिलेगा तो डेफिनेटली उसको आपका प्रोजेक्ट सेल कर पाओगे. राइट, तो द क्वेश्चन इज फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो, देन आपका कोटेशन, आपका स्ट्रैटेजी पहले बनाना पड़ेगा. राइट, तो बहुत सारे मैं फ्रीलांसर देखता हूँ कि पहले ही पिच करने लगते क्लाइंट को, लेकिन जब पूछता है क्लाइंट कि भैया आपका काम किधर है, आपने किसके लिए किया, सर आई डोंट हैव वर्क फॉर एनीवन, मैंने किसके लिए काम नहीं किया लेकिन मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो वो ट्रस्ट नहीं करेंगे आपको. सो पहले क्या करो कि खुद का काम रेडी करो. तो अभी द क्वेश्चन मेन क्वेश्चन पे मेन टॉपिक पे आते हैं कि सर ग्रैब कैसे करें. फिर ठीक है, मेरे पास सर मेरा पोर्टफोलियो खुद का क्रिएट है, मेरा खुद का स्ट्रैटेजी मेरा क्रिएट है, मेरा कोटेशन वगैरह सब रेडी है, टेम्पलेट सारा रेडी है, अभी मुझे सिर्फ क्या चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए. तो क्लाइंट्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था उसको लोगों तक रीच करो, उसको लोगों तक सेंड करो. आपको मीन्स लीड चाहिए, आपको क्या चाहिए, फ्रीलांसिंग काम चाहिए, मीन्स उससे पहले से क्या चाहिए, लीड्स चाहिए. तो आपका सोशल मीडिया पे प्रमोट करो. फर्स्ट है कि आप सोशल मीडिया का यूज करके सोशल मीडिया पे आपका पोर्टफोलियो प्रमोट करो. तो फॉर एग्जांपल फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके आपका पोर्टफोलियो दिखाओ लोगों को. कहाँ पे, रिलीवेंट ग्रुप्स. बहुत सारे लोग क्या कहाँ पे भी डाल देते हैं, रिलीवेंट ग्रुप, जो बिजनेस ओनर के ग्रुप्स होते हैं, जो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जो स्टार्टअप ओनर्स के ग्रुप्स होते हैं, जो डेवलपमेंट रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जाके करो. कहाँ पे भी नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे जाके आपका पोर्टफोलियो बनाओ. वहाँ पे लिखो कि दोज हू रियली वॉन्ट टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन कॉन्टैक्ट माई नंबर, आपका नंबर वहाँ पे डाल दो. और ऐसे हजारों लाखों ग्रुप्स में आपका रीच होगा, डेफिनेटली वहाँ से आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको फिर लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्जन भी आएगा. ये सोशल मीडिया से. सेकंड है कि आपके एक नेटवर्क से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप ला सकते हो. नेटवर्क्स बिल्ड नहीं कर पा रहे बहुत सारे फ्रीलांसर, क्या करें, खुद का नेटवर्क्स बिल्ड करो. जो ऑडियंस आपका, जो लेट्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजते हो ना, किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो. आप ढूंढो कि कौन लोग आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो. लिंक्डइन पे कनेक्शन से रिलेटेड बनाओ, फिल्टर लगा के जो लोग आपको प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे बिजनेस ओनर दे सकते हैं आपको प्रोजेक्ट दे सकते, डेवलपर दे सकते, स्टार्टअप ओनर्स आपको प्रोजेक्ट दे सकते, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करो, उन लोगों को कनेक्ट करो. और उन लोगों को कनेक्ट करने के बाद उनको पर्सनल मैसेज करो. नेटवर्क बनेगा तो नेटवर्क का फायदा भी उठाना पड़ेगा. बहुत सारे B2B मार्केटर जो भी आज काम कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, नेटवर्क्स बिल्ड कर रहे हैं खुद का. तो नेटवर्क्स आपका बिल्ड होगा तो आपको भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. तो आपको पहले क्या करना, नेटवर्क्स बिल्ड करना है, बहुत बड़ा नेटवर्क्स. पहला है कि सोशल मीडिया पे ग्रुप्स पे आपका शेयरिंग स्टार्ट करो. सेकंड, नेटवर्क्स बिल्ड करो. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस कार्ड रेडी करो एक, और उस बिजनेस कार्ड को आपको आपके जो बिजनेस इवेंट होते हैं, आपके नियर बाय इवेंट्स होते हैं, तो वहां पे आप प्रमोट करो उसको. जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट होता है, बिजनेस इवेंट, वहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर आते हैं. सो वहां पे आप जाओ, वहां पे आपका कार्ड शेयर करो
और बोलो कि आपको अपन अभी दोस्त अभी उनको नेटवर्क और उससे कनेक्ट करो लोगों को, और बोलो कि आपको कभी भी जरूरत पड़े डिजिटल मार्केटिंग की तो बस इस नंबर पे कांटेक्ट करो। पैसे का बाद में देखेंगे, पहले क्या करते हैं फ्रीलांसर, सर इतना पैसा लगेगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पैसा बाद में भैया, पहले क्या करो पहले आपको कनेक्शन तो बिल्ड करो, पहले ट्रस्ट तो बढ़ाओ। तो पहले आप उनको शेयर करो, और कभी भी आपको बोलो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। सो पहले क्या करो, ट्रस्ट बिल्ड करो खुद का, खुद को आपको बनाओ पहले बड़ा सा, तो डेफिनेटली लोग आपको बोलेंगे सर मेरे लिए करना है। सो बिल्ड करो आपका ट्रस्ट। देन फोर्थ टिप्स फॉर यू इज, आप जस्ट डायल पे बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज लिस्टेड हो रही है डेली बेसिस, तो वहां पे जाके ढूंढो कौन सी कंपनी लिस्ट हो रही है, वहां पे जाके उनको कॉल करो। जस्ट डायल पे जाओ, कौन सी इवेंट मार्केटिंग कंपनी अभी कौन सी लिस्ट हुई है, अभी स्टार्टअप कंपनी कौन सी लिस्ट हुई है, बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे बिजनेस के नाम वहां पे मिलेंगे, और नाम वहां से कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा कॉलिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको काम चाहिए। देखो आपको काम चाहिए तो डेफिनेटली कॉलिंग और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो उन लोगों को कॉल करो जो अभी भी बिजनेस में आए हैं, स्टार्टअप बिजनेस ओपन किया है, तो उनको आप कांटेक्ट करोगे तो व्हाट विल हैपन, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका मेल आईडी आप ले लो, सर मेल में आपको कर देता हूँ, जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट एंड देन वी विल गो हेड फॉर द मीटिंग एंड ऑल राइट। तो आप उनको कॉन्टैक्ट करो। देन है गूगल बिजनेस लिस्टिंग से भी मिल सकते हैं। सो लेट्स से टॉप इवेंट मार्केटिंग कंपनी इन पुणे करो, इवेंट मार्केटिंग की आपको कंपनी को टारगेट करना है, तो इवेंट मार्केटिंग की लिस्ट आती है पूरी, वहां पे फोन नंबर आते हैं, उनके मेल आईडी आते हैं, उनका टाइमिंग आता है, कॉल करो उनको, बोलो उनसे, मिलो उनसे, सर मैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, मैं आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस देना चाहता हूँ आपके बिजनेसेस के लिए, सो इफ यू आर रेडी फॉर इट तो डेफिनेटली पीपल विल लाइक इट राइट। सो देन आपके पास सुलेखा, इंडिया मार्ट, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, वहाँ पे जाके रोज बिजनेस लिस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आपका बिजनेस देखो, लोगों को कॉल करो और पूछो राइट। सो ऐसे बहुत सारे वे हैं, आपका एसईओ करो, आपकी जो वेबसाइट आपने पोर्टफोलियो बनाया ना उसका एसईओ करो। एसईओ करने से क्या होगा कि आपका वेबसाइट भी रैंक पे आएगा, कोई सर्च करेंगे एसईओ सर्विसेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पुणे, आपका भी रैंक पे आना चाहिए, तो आपका रैंक पे आएगा तो पीपल विल कॉल यू, पीपल विल कॉल यू, देन ऑब्वियसली आपके सेल्स बढ़ेगा राइट। तो दीज आर द टिप्स दैट आई हैव शेयर टू यू, और हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली ये पोर्टफोलियो आपका क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन करो, नंबर पे कॉल करो हमारे, और वहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिकल आपको सब कुछ समझाया जाएगा, और आपको हैंड होल्ड करके आपको एक परफेक्ट डिजिटल मार्केटर किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी क्वेश्चंस होता है फ्रीलांसिंग के रिलेटेड हो या डिजिटल मार्केटिंग नीचे हो, नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप मेरा किसके बारे में देखना चाहते हो उसके बारे में बताएं, सो दैट मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कीजिए आपके दोस्तों को, डेफिनेटली ये हेल्प करूंगा, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से काम कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।